गणेश विसर्जन छठ घाट बिलासपुर में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को विराजमान करने के बाद विसर्जन करने का सिलसिला जारी हो गया है। 31 अगस्त को गणेश जी की स्थापना की गई थी, उसके बाद भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर नियमानुसार विसर्जन करना शुरू किया। चूँकि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष से पहले विसर्जन होना चाहिए या फिर हवन करने के बाद गणेश जी का सिंहासन हिला देना चाहिए, उसके बाद कभी भी विसर्जन किया जा सकता है। गणेश विसर्जन करने वालों की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि बिलासपुर शहर में पचरी घाट और छठ घाट में भगवान की मूर्तियों का ज्यादा विसर्जन किया जाता है। यही कारण है कि देर रात तक छठ घाट में मूर्ति विसर्जन करने वाले नजर आए। डीजे नगाड़ा बाजा धुमाल और ढोल की धुन पर नाचने वाले थिरकते रहे, जिन्होंने गणेश भगवान के गाने और डांस वाले गाने में नाचकर भरपूर आनंद लिया। उसके बाद पूजा अर्चना कर भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए नदी में विसर्जन किया। ऐसे बीच भक्तों की भीड़ लगी रही। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। नदी में न डाले घाट को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आदेशानुसार जिला प्रशासन एवं नगर निगम बिलासपुर बना देना, लेना कुछ नहीं लगा। सब खड़े जाओ, सबका वीडियो बन रहा है। की पावन धरा गणेश विसर्जन घाट में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गणेश प्रतिमा विसर्जन करने आए हुए समस्त नागरिकों से निवेदन है कि गणेश में अपने साथ आए हुए बच्चों को अपने नाम करने में और स्वयं भी गहरे पानी में ना जावे। आदेश के साथ जिला प्रशासन एवं नगर निगम।